गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री में एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपका। और आज का क्वेश्चन हमारे रहेंगे कुछ क्वेश्चंस बच्चों। कल हमने ऑक्सो एसिड पढ़े थे भाई, किसके? सल्फर के। तो वो भी इम्पोर्टेंट पोर्शन था बिल्कुल, और आज का भी पोर्शन कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा तो है नहीं, बट एक दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखिए, दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, टू मार्क्स के बस, ज़्यादा नहीं आते इसमें। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 30। सल्फर इन वेपर स्टेट शोज़ द पैरामैग्नेटिक करेक्टर, वाई। देखिए, सल्फर वेपर स्टेट में पैरामैग्नेटिक होता है, क्यों होता है भाई? इन वेपर स्टेट सल्फर एग्जिस्ट एस टू मोलिक्यूल। जो सल्फर हमारा है वेपर स्टेट में एस टू होता है, सॉलिड स्टेट में एस एट होता है, तो इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है वो। तो एस टू मोलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन मोलिक्यूल एस टू वन पेड इलेक्ट्रॉन। अभी हम जब करेंगे इसको एमओटी थ्योरी से, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो 11th क्लास में आपने की होगी, उसके बेस पे जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या है, उसके अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे लास्ट में ऊपर की तरफ, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास क्या है, अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया, सिंपल सी बात है। वाई एच टू एस हाइड्रोजन सल्फाइड लेस एसिडिक क्यों है एच टू टी ई से? देखिए, अब जब हम बात करें एसिडिक नेचर की, तो एच टू टी ई इन साइज ऑफ द सेंट्रल टी ई इज़ मोर देन दैट ऑफ द एस। टी का साइड से ऊपर से क्या है, साइज इसका ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज बढ़ता है ना। देयर फॉर डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड द हाइड्रोजन मोर है दैट ऑफ एस एच, यानी सल्फर के अंदर टेलुरियम के अंदर ज़्यादा है और सल्फर के अंदर कम है। एज ए रिजल्ट लार्ज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, जितना ज़्यादा बड़ा बॉन्ड होगा हमारे पास, इसीलिए इसकी क्लीवेज जो है बॉन्ड की इजी है, और बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो H प्लस आयन जल्दी बनेगा, इसीलिए हमारे पास एच टू टी मोर एसिडिक है देन एच टू एस। क्लियर। डाइऑक्सीजन इज ए गैस वाइल सल्फर इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, विद डाइऑक्सीजन ओ टू इज अ गैस एंड एस एट इज सल्फर। ये पूछा गया आपसे रूम टेम्परेचर पर, ऐसा क्यों? ऑक्सीजन हमारा क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना। एसिड मॉलिक्यूल हमारा पकड़ रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, कल आपको बताया था किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, ये पकड़ रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है अभी, ठीक है। उसके बेस पे क्या है, द मेन रीजन ऑफ दिस डिफरेंस बिहेवियर इज दैट ऑक्सीजन एटम हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन के पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है अपने आप के साथ, टू फॉर्म द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रादर देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में सल्फर क्या है, डबल बॉन्ड बनाता नहीं है, और इसका डबल बॉन्ड ज़्यादा, मतलब इसका डबल बॉन्ड अगर हम बनाएं भी तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। एज ए रिजल्ट कैटिनेटेड ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यानी ये जो चेन हमारी ऑक्सीजन की वो लेस स्टेबल है देन O2 O2 की चेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, इसलिए इसका रीज़न है भाई। उसके बाद क्या करना है, कंप्लीट द रिएक्शन, ये रिएक्शंस पूरी करोगे आप। देखिए, जब भी कॉपर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओगे तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट SO2 गैस और H2SO। देखिए, ये कॉपर के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाया हमने, अगर बाई चांस मैं यहाँ पे डाइल्यूट मिलाता डाइल्यूट तो हाइड्रोजन गैस बनती है बच्चों, कंसनट्रेटेड में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब हमारे पास क्या है, SF4 के अंदर मिला दिया 2H2O, SF4 में 2H2O मिलाओगे तो क्या बनेगा, SO2 और 4HF बनेगा भाई, सिंपल सी रिएक्शन हमारे पास होती है ये, क्लियर है। उसके बाद 2H2S में SO2 मिलाओगे तो 3S+3H2O। TE के अंदर ये कुछ खास रिएक्शंस होती नहीं है, आप इनमें से कर लें केवल ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, ज़्यादा और ये रिएक्शन, तीन कर लें भाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास व्हाट हैपेंस, देखिए क्या होगा यदि H2SO4 को हम कैल्शियम फ्लोराइड में एडिट करेंगे, कैल्शियम फ्लोराइड में हमने ऐड कर दिया H2SO4, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, HF बाहर निकल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड SO2 जब पास होगी वाटर के अंदर से तो क्या बनेगा, SO3 H2O में पास करवा दी तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, लास्ट स्टेप होता है ये इसका। राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, क्या कहता है, राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। भाई इनका ऑर्डर रहेगा हमारा H2O, H2S, H2SC और H2TE, ठीक है, लगातार कंटिन्यूसली ऊपर से नीचे जाओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द Fe3+ आयन साल्ट, क्या होगा बताओ, जब Fe3 आयन में से आप SO2 पास करवाओगे तो वाटर के साथ ये क्या करेगा, Fe2+ आयन में बदल जाएगा, रिडक्शन हो गया इसका, SO4 2+ आयन बनेगा और H+ आयन,
एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है बच्चों, ये सिखाएंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर जो होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसके अंदर सीखेंगे आप ये सारे, क्लियर है। उसके बाद क्या, व्हाट इज द के ए टू और के ए वन फोर एच टू एस ओ फोर इन वाटर। एच टू एस ओ फोर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बिकॉज ऑफ द इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन टू। अब ये क्या करता है भाई, इस तरह का आयन में टूट जाता है। अब जब आप एच टू एस ओ फोर को वाटर में मिलाओगे तो एच थ्री ओ आयन बनेगा। एच थ्री ओ आयन का मतलब ही एच प्लस आयन होता है, इसका मतलब ये इसकी स्ट्रॉन्ग एसिडिटी को शो करता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें, ये वाला क्वेश्चन करेंगे भाई, एस एफ फोर इजिली हाइड्रोलाइज वेयर एस एफ सिक्स इज नॉट इजिली हाइड्रोलाइज। एस एफ फोर मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर एटम हमारे कोऑर्डिनेट सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, स्टेरिकली प्रोटेक्टेड बाय सिक्स एफ आयन एटम, हैंस डज नॉट अलाउ द एच टू ओ मॉलिक्यूल टू अटैक द एस एटम, देयर फोर एस एफ फोर डज नॉट एस एफ सिक्स डज नॉट हाइड्रोलाइज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो एस एफ फोर हमारा सल्फर वो क्या है, स्टेरिकली प्रोटेक्टेड नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या है ओनली फोर एफ आयन से सराउंडेड है, जिसकी वजह से वाटर इसके अंदर अटैक कर देता है, जिसके कारण क्या है सल्फर इजिली हमारा क्या हाइड्रोलाइज हो जाता है एस एफ फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस एफ सिक्स इज नॉट नॉन, एस एफ सिक्स इज नॉन बट एस एफ एस एल एस सी एल सिक्स इज नॉट नॉन, वाई, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ सल्फर सिक्स क्लोरिन कैन बी कैन नॉट बी अकोमोडेटेड बाई सल्फर एटम। भाई इसका स्मॉल साइज है तो सिक्स एफ यहाँ से कैसे आएंगे, लेकिन बट स्मॉल साइज ऑफ, उसके बाद देखो क्लोरीन के आधार पर क्या है, क्लोरीन का साइज बड़ा है तो इसके इर्द गिर्द ज़्यादा एटम आ सकते हैं, इसलिए एस एफ एस सी एल सिक्स क्या है ये नॉट नॉन, इसका सिक्स बनता ही नहीं है, बिकॉज लो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ क्लोरीन इट कैन नॉट ईजिली कॉज प्रोमोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एस टू फॉर्म द क्या बनाने में एस सिक्स। वाई डज ओ एफ सिक्स इज नॉट एग्जिस्ट बट एस एफ सिक्स इज एग्जिस्ट, तो इसका रीजन क्या हो सकता है भाई, ऑक्सीजन कैन नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस सिक्स, अब ऑक्सीजन तो शो कर ही नहीं सकती प्लस सिक्स को, तो अबसेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इसके अंदर है, जिसकी वजह से ये जो हमारा सल्फर है वो कर सकता है थ्री डी प्रेजेंट होता है उसके अंदर, इस वजह से वही, ठीक है, कर लोगे ना। तो ये क्वेश्चन थे इसमें इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ने हैं और लिखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।